वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट के सेक्शन थर्ड के बारे में बात किया था। हमने सेक्शन थर्ड के टॉपिक एंटी फर्टिलिटी की स्क्रीनिंग मॉडल को समझा था और HCG इंड्यूस्ड ओवल्यूशन इन रैट को हमने डिटेल में स्टडी किया था। और आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट मॉडल जो है क्यूप्रिक एसिटेट इंड्यूस्ड ओवल्यूशन इन रैबिट उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स क्या होते हैं और उनकी स्क्रीनिंग को हम क्यों करते हैं, तो हमारा जो आज का मेथड जो स्क्रीनिंग मॉडल है, इस मॉडल में हम जो ओवल्यूशन करवा रहे हैं अपने एनिमल्स का, वो विद द हेल्प ऑफ क्यूप्रिक एसिटेट करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे मॉडल में जो हमारा इंड्यूसिंग एजेंट है वो है क्यूप्रिक एसिटेट, और जिस एनिमल के अंदर हमें अपने मॉडल को परफॉर्म करना है वो है रैबिट। तो यहाँ पर हम रैबिट के अंदर क्यूप्रिक एसिटेट की हेल्प से ओवल्यूशन की प्रोसेस को करवाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही मॉडल जो कि HCG इंड्यूस्ड मॉडल और आपका क्यूप्रिक एसिटेट मॉडल है, ये दोनों ही मॉडल आपके ओवल्यूशन की कैटेगरी के मॉडल आते हैं जो कि हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए, जो हमारा ये मॉडल है इसमें जो हम एजेंट यूज़ कर रही हैं, बेसिकली एजेंट क्या करेगा और इस एजेंट को हम क्यों यूज़ कर रही हैं, तो जो हमारा मॉडल है इसमें जो हमने एनिमल यूज़ किया है जो कि है हमारा रैबिट, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि हम इस रैबिट को इस मॉडल में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों हम इसी एनिमल को इस मॉडल में इस्तेमाल कर रहे हैं और यही केमिकल एजेंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा एनिमल है इस मॉडल में वो है रैबिट। बेसिकली जो रैबिट होते हैं वो रैबिट क्या है, दैट आर द रिफ्लक्स ओवल्यूटर। अब रिफ्लक्स ओवल्यूटर क्या होते हैं, रिफ्लक्स ओवल्यूटर ऐसे ओवल्यूटर होते हैं, ऐसे ओवल्यूटर के एनिमल्स होते हैं जिनमें अगर हमने कुछ सिचुएशनली स्टिमुलेशन करवाया, कुछ उनको जो स्टिमुलेशन की कंडीशन डेवलप करवाई, तो ये उस सिचुएशन के स्टिमुलेशन की होने की वजह से अपनी बॉडी में ओवल्यूशन करवाते हैं। मतलब क्या है, ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर हम इनके ओवल्यूशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। जब हम उनको ये स्टिमुलेशन करवाएंगे तो उनके लिए ये जो फेवरेबल कंडीशन है, स्टिमुलेशन जो हम करवा रहे हैं, ये स्टिमुलेशन उन एनिमल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा जिससे कि वो ओवल्यूशन करने लगेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं रिफ्लक्स ओवल्यूटर। यहाँ पर हम चाहकर उन एनिमल के अंदर ओवल्यूशन करवा सकते हैं अगर हम उन एनिमल्स के अंदर सिचुएशनली वो कंडीशन डेवलप करें। वो कंडीशन कौन कौन सी है, वो कंडीशन है मैकेनिकल स्टिमुलेशन। अगर हम इन एनिमल के अंदर मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ द फीमेल एनिमल जेनिटल पार्ट्स, यानी कि अगर हम इन एनिमल्स यानी रैबिट जो है हमारा यहाँ पे, इनके फीमेल जेनिटल पार्ट्स में कुछ मैकेनिकल स्टिमुलेशन करवाएं, या फिर हम एनिमल के अंदर केमिकल का एडमिनिस्ट्रेशन करवाएं, कौन सा केमिकल का एडमिनिस्ट्रेशन, क्यूप्रिक एसिटेट जो कि आज हमने यहाँ पे अपने मॉडल में इस्तेमाल भी किया हुआ है। तो अगर हम इन एनिमल्स के अंदर कुछ केमिकल इंट्रोड्यूस करवाएं, साथ ही साथ मैकेनिकल स्टिमुलेशन करवाएं, तो उस कंडीशन में ये दोनों ही चीज़ें उसके लिए एक फेवरेबल स्टिमुलेशन का काम करेंगी। और ये क्या काम करेंगी, इन दोनों की वजह से जो हमारा एनिमल है यानी कि रैबिट, वो ओवल्यूट विद इन द फ्यू आवर, कुछ ही घंटों के अंदर वो ओवल्यूशन करने लगेगा। वो ओवल्यूशन क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने उसको ये सर्टन कंडीशन दी हुई है, कौन कौन सी, मैकेनिकल स्टिमुलेशन या फिर केमिकल स्टिमुलेशन। तो इस केस में क्या है, इनके अप्लाई होने के कुछ ही घंटों में हमारा एनिमल ओवल्यूट करेगा, यानी कि उस एनिमल के अंदर से एग का रिलीज होने लगेगा। जो हमारा ये एनिमल है, जो रैबिट हमारा एनिमल है, इसके अंदर अगर हमने क्यूप्रिक एसिटेट का इंजेक्शन, जो कि उसके लिए ओवल्यूशन का काम कर रहा है, ओवल्यूशन के स्टिमुलेशन का काम कर रहा है, अगर हम इसको इंजेक्शन के फॉर्म में इसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं 0.3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, जिसमें हम IV रूट से इसको इंसर्ट करेंगे, तो ये एनिमल क्या करेगा, ये एनिमल ओवल्यूशन करने लगेगा कुछ ही घंटों में। रैबिट ओवल्यूट विद इन द फ्यू आवर्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्शन ऑफ क्यूप्रिक एसिटेट, और ये क्यूप्रिक एसिटेट का क्वांटिटी है 0.3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इन IV रूट बाय द 0.9 सलाइन के साथ, क्योंकि हम IV रूट से दे रहे हैं तो हमें एक
मीडिया चाहिए होगा ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा मीडिया है वो है सलाइन। तो सलाइन में हम इसको दे के इसके रैबिट के अंदर इंसर्ट करेंगे और रैबिट ओवुलेशन करने लगेगा। अब देखिए, क्योंकि हमारी ड्रग है एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की ड्रग, यहाँ पर हमें क्या है फर्टिलिटी के एंटी काम करना है, तो यहाँ पर हम एजेंट जो अपने ड्रग का टेस्टिंग कर रहे हैं वो ड्रग ऐसी ड्रग्स होंगे जो ओवुलेशन को स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही मॉडल ओवुलेशन पे काम करते हैं, दोनों HCG वाला और ये दोनों ही मॉडल ओवुलेशन के लिए काम कर रहे हैं, और ओवुलेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है फर्टिलिटी के लिए। अब हमने इस एजेंट को जो इस्तेमाल किया है वो एजेंट क्या करेगा, ओवुलेशन को स्टिमुलेट करेगा, ओवुलेशन करवाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है उसके अंदर हम जब अपनी ड्रग देंगे तो उसके बाद ये डिपेंड करेगा कि वो ड्रग के नेचर के हिसाब से ओवुलेशन या तो होगा या तो नहीं होगा। तो अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि ये मेथड परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा एनिमल है सेक्सुअली मैच्योर फीमेल्स को हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं सेक्सुअली मैच्योर फीमेल को, क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन तो उन्हीं फीमेल्स का होगा जो सेक्सुअली मैच्योर होंगी। तो यहाँ पर हम सेक्सुअली मैच्योर फीमेल लेंगे, फीमेल रैबिट ले लेंगे। वेट, जिनका वेट 3.4 केजी होगा उनको हमें अपनी स्टडी में इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है, एनिमल आर केप्ट इन आइसोलेशन फॉर एट लीस्ट 21 डेज। इन सभी एनिमल को जो हमारे मैच्योर एनिमल है, सेक्सुअली मैच्योर एनिमल है जिसे हम स्टडी में यूज़ कर रहे हैं, इनको हमको 21 दिनों तक आइसोलेट करके रखना है। आइसोलेशन हम क्यों कर रहे हैं, आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि इनको हमें अलग रख देना है बाकी एनिमल से। आइसोलेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंश्योर दैट दे डू नॉट प्रेग्नेंट, ये प्रेग्नेंट ना हो सके, और प्रिवेंट द इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन बाय मैटिंग, क्योंकि जो कि हम अगर इन एनिमल्स को दूसरे अगर एनिमल्स के साथ रखेंगे तो इनके जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ हमने बताई नहीं कि जो रैबिट होते हैं वो अगर मेल पार्टनर के साथ रहते हैं तो वो मेल पार्टनर के साथ रहने से भी ओवुलेट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जो आपने ये दो चीज़ें देखी ना जो इनके लिए स्टिमुलेशन का काम कर रहे हैं, तीसरी चीज़ ये है कि अगर एनिमल को हम उसके अपोजिट पार्टनर यानी फीमेल को मेल के साथ रख देंगे तो वो भी एक स्टिमुलेशन का काम करेगा, ओवुलेशन को स्टिमुलेट करवाने का काम करेगा। इसीलिए इस समय हम एनिमल को एक आइसोलेटेड जगह पर रख रहे हैं जिससे कि वो मेल जो है मेल एनिमल है उनसे दूर रह सके और उनके बॉडी के अंदर ये स्टिमुलेशन ना हो और वो ओवुलेट ना करें और जिससे कि वो फर्दर प्रेग्नेंट ना हो। तो क्या है, इनको हम इस तरीके से रखते हैं, अगर वो ओवुलेट करेंगी तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि क्या है अगर सेकेंड पार्टनर मेल रहेगा तो ओवुलेशन अगर होगा तो प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। और ओवुलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मेल इट्सेल्फ उसके लिए ओवुलेशन को स्टिमुलेशन का काम कर रहा है, ओवुलेशन को स्टिमुलेट करवाने का काम कर रहा है, इसलिए हमें इसको सेपरेट केस में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट ग्रुप ट्रीटेड विद टेस्ट ड्रग। अब हम दो ग्रुप्स बना लेंगे, एक कंट्रोल का और एक अपने टेस्ट का। कंट्रोल में हमें कोई ड्रग नहीं देनी है, सलाइन दे देना है, और अपने जो टेस्ट ड्रग है उसमें टेस्ट ड्रग देनी है। देखिए, हम अपने ड्रग को पहले इंसर्ट कर रहे हैं उसके बाद हम अपनी एजेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे, टेस्ट ग्रुप ट्रीटेड विद टेस्ट ड्रग, टेस्ट ग्रुप में अपने टेस्ट ड्रग को ट्रीट कर देंगे, उसके अंदर टेस्ट ड्रग अपनी दे देंगे। क्यूप्रिक एसिटेट इज गिवन आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद हम अपना एजेंट इंड्यूसिंग एजेंट क्यूप्रिक एसिटेट इंसर्ट करेंगे सेम एनिमल यानी कि टेस्ट एनिमल में। टेस्ट एनिमल में अपनी ड्रग हम 24 घंटे पहले दे रहे हैं और 24 घंटे के बाद हम अपना एजेंट यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी अगर ड्रग एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की ड्रग है तो वो बॉडी में जा कर के अपना सर्टन रिस्पॉन्स देगी, और जब हम अपना एजेंट यानी इंड्यूसिंग एजेंट जब उस बॉडी में एनिमल की बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो क्योंकि हमने पहले से ही ड्रग दे रखी है, मे बी वो एंटी फर्टिलिटी है मे बी वो नॉट, मेन या तो वो है या तो वो नहीं है, लेकिन अगर वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है तो भले ही हमने इंड्यूसिंग एजेंट दे रखा है लेकिन फिर भी हमारा एनिमल ओवुलेट नहीं करेगा क्योंकि हमारी ड्रग एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। एक तो ये कंडीशन है, दूसरा ये कंडीशन है कि हमने अपने ड्रग को पहले दे रखा है लेकिन अगर वो एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की ड्रग नहीं है तो जब हम अपना इंड्यूसिंग एजेंट यानी क्यूप्रिक एसिटेट 24 घंटे बाद देंगे फिर भी एनिमल पे कोई भी
इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एनिमल ओवरलूट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारी ड्रग जो हमने पहले दे रखा है वो एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी का नहीं होगा, और एनिमल अपना, क्योंकि हमने इंड्यूसिंग एजेंट दे रखा है तो वो इंड्यूसिंग एजेंट उसके अंदर ओवोल्यूशन करवाएगा। तो इस तरीके से हम अपने एनिमल के अंदर इन दोनों चीज़ों को चेक करेंगे कि हमारा एजेंट एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी का है या नहीं है। अब 24 घंटे बाद हमने क्या किया, 24 घंटे बाद जब हमने अपनी इंड्यूसिंग एजेंट दे दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, द रैबिट आर सेक्रीफाइस्ड एंड ओवरीज आर एग्जामिन्ड आफ्टर 18 से 24 घंटे के बाद। मतलब क्या है, जब हमने क्यूप्रिक एसिटेट दे दिया उसके 18 से 24 घंटे बाद जब क्यूप्रिक एसिटेट अपना रिजल्ट दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा कि क्यूप्रिक एसिटेट जो इंड्यूसिंग एजेंट है वो विद इन अ आवर ओवोल्यूशन करवाता है, तो 18 से 24 घंटे के बाद हम अपने एनिमल, रिस्पेक्टेड एनिमल को, टेस्ट और कंट्रोल वाले एनिमल को सेक्रीफाइस करेंगे, और सेक्रीफाइस करने के बाद हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ओवोल्यूशन पॉइंट आर रिकॉर्डेड। हम ये देखेंगे कि कितने ओवोल्यूशन के पॉइंट रिकॉर्डेड हैं। ये कैसे देखेंगे, क्योंकि जब आप ओवरीज को रिमूव करेंगे तो जो ओवरीज होंगी उनके फॉलिकुलर्स जो होंगे वो मैच्योर हुए होंगे और उसके बाद उन्हीं से एग्स रिलीज हुए होंगे। तो आप पहले तो उन ओवरीज को निकालने के बाद, क्योंकि जो दो ओवरीज हैं तो दोनों ओवरीज को एग्जामिन करेंगे कि उसके अंदर कितने ओवोल्यूशन के पॉइंट आपको दिख रहे हैं, क्या एनिमल ने ओवोल्यूशन किया है या ओवोल्यूशन नहीं किया है, जैसा भी होगा वो आप उसको एग्जामिन कर लेंगे। एग्जामिन करने के बाद ओवरीज एंड यूट्रस आर रिमूव्ड एंड केप्ट इन 10% फॉर्मलिन। 10% फॉर्मलिन बफर सॉल्यूशन में हम अपने ओवरीज को रखेंगे, यूट्रस को रखेंगे, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उन एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स ओवरीज और यूट्रस हैं इनका हम हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे, और हिस्टोपैथोलॉजी करवाने के बाद तब हम देखेंगे कि हमारी ड्रग एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की है या नहीं है। रिजल्ट जो भी आएगा, या तो ओवोल्यूशन हुआ है तो हमारी ड्रग एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की नहीं है, तभी उसने ओवोल्यूशन स्टॉप नहीं किया, और अगर रिजल्ट नहीं आया है, ओवोल्यूशन नहीं हुआ है, इसका मतलब कि हमारी ड्रग एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की है। क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही जब दे रखा है ओवोल्यूशन के लिए अपना स्टिमुलेटर, और उसने अगर रिलीज़ किया एग को और हमारी ड्रग ने उसके रिलीज़ को स्टॉप नहीं किया, तो इसका मतलब वो नहीं है एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की, और अगर उसने स्टॉप कर दिया तो इसका मतलब वो एंटी फर्टिलिटी कैटेगरी की है। इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे कंट्रोल को टेस्ट से, जैसे टेस्ट में क्या रिजल्ट आ रहा है, कंट्रोल में क्या रिजल्ट आ रहा है, और हमें इस तरीके से अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने इस मेथड को परफॉर्म करते हैं। ये जो बेसिक हमारा जो ये मेथड है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इंजेक्शन ऑफ द एंटी ओवोल्यूटरी ड्रग प्रिवेंट ओवोल्यूशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी हम अपने इंजेक्शंस, जो कि हमारे ड्रग है, टेस्ट ड्रग है, अगर वो एंटी ओवोल्यूटरी कैटेगरी का है तो हमने अगर उसको एनिमल के अंदर पहले से इंसर्ट किया हुआ है तो भले ही हम उसको ओवोल्यूशन के स्टिमुलेटर देते जाएं, लेकिन वो ओवोल्यूशन नहीं करेगा क्योंकि हमारी ड्रग एंटी ओवोल्यूटरी कैटेगरी की है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसी पे ये पूरा मेथड काम करता है। तो इस तरीके से इस मेथड को हम परफॉर्म करते हैं लैब में। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो हमने अपने एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर बनाया हुआ है, तो इसी तरीके से आप अपने रिक्वेस्ट हमें देते रहिए, हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।